कुमकु जिशान एकेडमी, जिशान एकेडमी आपका स्वागत है। आज हम फिर जो स्पॉटिंग बची हुई थी, इससे पहले वाली वीडियो में एक से लेकर चार तक स्पॉटिंग के बारे में बता दिया था। जो बची हुई स्पॉटिंग थी उसको हम आज पढ़ लेते हैं। बहुत गौर से सुनिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो पाँचवीं जो स्पॉटिंग बची हुई थी वो आपकी है डिग्री एनालिसिस। अब जो डिग्री एनालिसिस होती है इसमें एक आपको चार्ट मिलेगा। अब डिग्री एनालिसिस में जनरली आपका हो क्या सकता है, या तो रिसेसिव हो सकती है ट्रेड की, या तो रिसेसिव सेक्स लिंक ट्रेड की डिग्री हो सकती है। यानी या तो आपकी रोलिंग टंग हो सकती है, या तो हीमोफीलिया, इन दोनों में से कोई एक डिग्री, या ये दो तरह की और भी सिलेबस में कोई एक डिग्री होगी। अब इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जो फिगर आपका दिया होगा इस तरह से फिगर बन करके आपका एक डिग्री चार्ट बनी होगी और इस तरह से इसमें आपका तीन दिया होगा। अब इसी में आपको आइडेंटिफाई करना होगा। जनरली जो पेडिग्री होगी कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं ये आप समझ लीजिए, ताकि कभी भी पेडिग्री हो आप पहचान सकते हैं। एग्जाम में भी आपकी दो नंबर का क्वेश्चन पेडिग्री से आता है, उसको आप आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे, आसानी से एक्सप्लेन कर सकेंगे। इन जनरल जो पेडिग्री होती है, यानी जो ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री होती है, अब ऑटोसोमल जो रिसेसिव पेडिग्री होगी दो कंडीशन होगी, या तो नॉर्मल पेरेंट्स से शुरू होगी या तो आपकी अफेक्टेड पेरेंट्स से शुरू होगी। जब ये नॉर्मल पेरेंट्स से शुरू होती है तो इनमें क्या होता है कि किसी एक चार में से एनी वन, फोर ऑफ वन इज अफेक्टेड। और इनके साथ फिर जब हम यहाँ पे क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, तीन में एक हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। इस तरह से यहाँ से आपका हो गया, इस तरह से आपका हो गया, ये आपकी पेडिग्री हो गई। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि मान लीजिए रोलिंग टंग है, तो जो जीन्स होता है पहला हो गया कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। जो रिसेसिव पेडिग्री होगी वो या तो इससे शुरू होगी या तो इससे शुरू होगी। अगर इससे शुरू होगी तो नॉर्मल पेरेंट होंगे, इससे शुरू होगी तो अफेक्टेड होंगे। अगर ये नॉर्मल पेरेंट से हम करते हैं जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो अब ये इनका जो रेशियो आएगा, आप पढ़े भी हैं दोनों अगर होंगे, एफ टू जनरेशन का जो रेशियो आता है वो कितना आता है, 3:1। यानी तीन जो होंगे ये कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और ये स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे अगर हम फिर एक बार शुरू कर दें तो अब ऐसी कंडीशन में इससे अगर शुरू होगा तो भी यहाँ पे आपका क्या होता है, एक से ज़्यादा अफेक्टेड पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पे आपका होगा अगर ये भी आपका कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इन तीन में से एक भी हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो इस तरह की अगर पेडिग्री है कि नॉर्मल से शुरू होते हैं और फोर इंडिविजुअल में वन इंडिविजुअल्स जो होता है वो अफेक्टेड होता है, देन इट इज श्योर एंड सर्टेन रिसेसिव पेडिग्री। और रिसेसिव की कोई भी पेडिग्री हो सकती है, रोलिंग टंग हो सकती है या जो भी आपका है ब्लड ग्रुप वगैरह जो भी आपका हो सकता है ये हो सकती है। दूसरा जो होता है वो आपका हीमोफीलिया हो गया, यानी सेक्स लिंक में अगर होगा तो भी इसी तरह से आपका होगा। बस फर्क क्या होगा कि सेक्स लिंक और ऑटोसोमल रिसेसिव में डिफरेंस ये होता है कि इनका भी जो रेशियो होता है वो चार में एक ही अफेक्टेड होते हैं इन जनरल नॉर्मल में। लेकिन इनमें क्या होता है, इफ अफेक्टेड परसेंट मेजॉरिटी ऑफ इज द मेल, अगर अफेक्टेड सभी मेल हो रहे हैं, यहीं पर अगर ये हो जाता, ये इस तरह से हो जाता और ये इस तरह से हो जाता, यहाँ पर भी मेल ही अफेक्टेड आपके क्या हो रहे हैं, यहाँ पे मेल हो रहे हैं, या इसको हटा देते हैं यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे अफेक्टेड आपके क्या हो रहे हैं, मेल हो रहे हैं, यहाँ पर नॉर्मल हो यहाँ पर अफेक्टेड मेल हो रहे हैं, या यहाँ पर अफेक्टेड आपके क्या हो रहे हैं, मेल हो रहे हैं। तो अब ये जो पेडिग्री होगी इसको हम क्या कहेंगे,
ऑटोसोमल सेक्स लिंक पेडिग्री। तो जब आप ऑब्जर्व करेंगे इसी के बेस पर करेंगे, दिया गया जो पेडिग्री चार्ट होगा उसके बेस पर, कि इफ इन जनरल इफ द पेडिग्री आर स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्मल पेरेंट एंड इन F1 फर्स्ट जनरेशन में चार में अगर एक अफेक्टेड है तो ये आपकी कैसे होगी, ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री का एग्जांपल है। और F2 में भी अगर उसी रूल को फॉलो कर रहे हैं तब भी वही रहेगा, नॉर्मल से शुरू होता है, एक अफेक्टेड है। और अगर इसी तरह की पेडिग्री है और अफेक्टेड पर्सन मेजॉरिटी ऑफ द मेल है तो अब ये ऑटोसोमल रिसेसिव होगी, लेकिन कौन सी हो जाएगी, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। अब उसके बाद आता है 6 जो स्पॉटिंग होती है उसमें आपका क्या है, डिजीज से रिलेटेड है, और इसमें मेनली आपका एस्केरिस हो गया या तो प्लाज्मोडियम। अब इसमें एस्केरिस ज़्यादातर लैब में जो होता है, एस्केरिस जो होता है एज ए म्यूजियम स्पेसमेन में अवेलेबल होता है, तो लोग एस्केरिस को ही रख देते हैं। अब इस एस्केरिस को आपको वैसे तो मेन जो कमेंट करना है इसके डिजीज के जो सिम्टम होते हैं उस पर फोकस किया जाता है, लेकिन आप कर सकते हैं शुरुआत कैसे करेंगे, कौन सा है, द गिवन स्पॉट नंबर 6 इज द एस्केरिस। अब एस्केरिस का इन्फेक्शन कैसे होता है, दैट इज कंटामिनेशन ऑफ द सॉयल या कंटामिनेटेड सॉयल के टिकअप करने से, खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं चाइल्ड होते हैं वो मिट्टी को खाते रहते हैं उनसे इसका होता है। अब उसके बाद चूंकि ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो प्रॉब्लम कहाँ पे अराइज होगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा, बॉडी की जो ग्रोथ होगी बच्चे की जो डेवलपमेंट होना चाहिए रुक जाएगा, क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा वो एस्केरिस ले लेगा, इससे जो डिजीज होगा, अब इसके लिए क्या होगा, उसके जो स्टमक होगा उसकी साइज बढ़ जाएगी, पेट बड़ा हो जाएगा, उसके अलावा बच्चे की जो ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी, उसके अलावा और भी डिफरेंट आपके इसके कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो इसमें आपको एस्केरियासिस कोई बहुत डेंजर डिजीज तो नहीं होती है, लेकिन ये हो जाने से बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, रुक जाती है, और उसके बाद फिर इसका ट्रीटमेंट आप कर देंगे। इसके ट्रीटमेंट के लिए एडेबल ऑयल का यूज़ किया जाता है, जो खाने वाले तेल होते हैं उनका यूज़ करते हैं, और वो तेल जो होता है जब ही हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो एस्केरिस, क्योंकि इसकी बॉडी जो होती है वो क्यूटिकल से कवर होती है, क्यूटिकल को ही इरेज, क्यूटिकल को ही क्या करती है, रप्चर कर देती है, और इस तरह से इसकी जो मसल्स होती हैं पूरी बॉडी जो होती है उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है, और इस तरह से एस्केरिस से हम बच सकते हैं। उसके बाद 7 जो आता है, दिस इज द लास्ट। अब 7 में 2 है, एडाप्टेशन से ही आपका, एडाप्टेशन से आपको क्या करना है, कमेंट करना है। अब इसमें आपका कितना है, 2 है, पहला जो है पहला एडाप्टेशन है एक्वेटिक, और इस एक्वेटिक में क्या है, सेल्वस में 2 प्लांट है और 2 एनिमल है, और दूसरा जो आपका है वो 0 फाइटिक, इसमें भी आपका 2 प्लांट है और 2 एनिमल है। अब जैसे इसमें आपका हो गया एक्वाटिक में 2 प्लांट में, सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, फिश हो गई। अब इसमें फिश में आपका रोहू हो सकती है या तो आपका फिर, और बड़ी फिश में आप ले सकते हैं तो सी वाटर में पाए जाने वाली वेल हो सकती है, ये एनिमल बता रहे थे। उसके बाद प्लांट में आपका क्या हो जाएगा, सबमर्ज में आपका हाइड्रिला हो सकता है या तो फिर इकाइनस हो सकता है, इसमें फ्लोटिंग प्लांट में, इनमें से मान लीजिए ये फिश हो गया दिया, इसमें से कोई एक रहेगा, इसमें वेरिफिकेशन हो सकता है क्योंकि 4 है तो कोई भी दिया जा सकता है। अब फिश दिया गया तो फिश का एडाप्टेशन आपका एक्वाटिक एडाप्टेशन क्या होता है, फिश में व्हाट इज द मेन एक्वाटिक एडाप्टेशन, सबसे पहला जो फिश होता है इनकी जो बॉडी होती है वो कैसे होती है, स्ट्रीम लाइन होती है, पहला कमेंट आप ये कर सकते हैं, बॉडी द स्ट्रीम लाइन। दूसरा जो एडाप्टेशन होगा इनकी पूरी जो बॉडी होती है वाटर इसको रिएक्ट कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो वाटर के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसकी बॉडी की उस पर क्या होता है, स्केल पाए जाते हैं, स्योर अनसर्टेन स्केल भी तरह तरह के होते हैं। दूसरा हो गया पॉइंट,
तीसरा पॉइंट जो होता है, क्योंकि ये बोनी फिश है, बॉडी का वेट ज़्यादा होगा, तो वेट को कम करने के लिए इसमें बुआंसी के आर्गन के फार्म में क्या होगा, एयर ब्लैडर पाया जाएगा। ये आपका तीन कमेंट हो गया कम से कम। अब इसके अलावा बाकी जो कमेंट कर सकते हैं, ये कैसे सर्वाइव करता, कैसे रिस्पायरेशन करता विद द हेल्प ऑफ द गिल, एक वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को ये गिल से लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। उसके बाद इसमें हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं ये भी आप लिख सकते हैं। कैसा एनिमल है ये, इसकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है कि फ्लूक्ट करता है, तो आप कह सकते हैं ये कोल्ड ब्लडेड है कि वार्म ब्लडेड। इसमें से कोई आप कमेंट बहुत जल्दी 5-6 कमेंट लिख सकते हैं, एटलीस्ट 3 कमेंट आपको होना चाहिए। उसी तरह से आ गया हाइड्रीला। अब आपको हाइड्रीला दिया हुआ है, तो हाइड्रीला में क्या होता है, एक्वाटिक एडाप्टेशन, ये सबमर्ज प्लांट होता है, पानी के नीचे पाया जाता है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसकी स्टेम में मॉडिफिकेशन पाया जाएगा, बॉडी के ऊपर क्या होगा, कोई वैक्सी कोटिंग पाई जाएगी जो वाटर के रिडक्शन को बता सके। उसके बाद इसकी जो स्टेम होगा उसमें क्या होंगे, एयर काइमा पाई जाएगी, वाटर करंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, इसमें ऐसा कोई ना कोई स्पेशल एडाप्टेशन जो होता है वो पाया जाता है। तो ऐसे 2-3 जो एक्वाटिक एडाप्टेशन है, वाटर करंट के इफेक्ट को, वाटर के रिएक्शन को, और कोई स्पेशल अगर इसमें एडाप्टेशन होता है, उस एडाप्टेशन को आपको यहाँ पे क्या करना होगा, शो करना होगा। उसके बाद दूसरा आता है ज़ेरोफाइटिक। ज़ेरोफाइटिक में 2 प्लांट के बारे में आपको करना है और 2 एनिमल में। प्लांट के बारे में बहुत ही फेमस है, आप कैक्टस के बारे में कर सकते हैं, कैक्टस के बारे में हो सकता है, और दूसरा आपका क्या हो सकता है, बबूल दिया जा सकता है, कोई भी जो ज़ेरोफाइटिक कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। और कैक्टस में क्या कमेंट करना है, एडाप्टेशन, हर हाल में इसको वाटर को कंज्यूम करना होता बॉडी में, तो वो जितनी भी फिनोमिना हो सकती हैं, ट्रांसपायरेशन को लो करना, रिड्यूस कर देना, वाटर को बॉडी में कंजर्व करना, और जो भी एडाप्टेशन होता है वो इनमें पाया जाता है, ये हो गया। एंड लास्ट में आपका आता है एनिमल। अब इस एनिमल में सबसे पहला जो होगा कैमल है, और दूसरा है कंगारू रैट, ये 2 हैं इनमें से, या और भी आपकी बुक में दूसरा हो सकता है। कैमल में क्या एडाप्टेशन होता है, इसको भी वाटर को कंजर्व करना होता है, तो वाटर को कंजर्व करने के लिए इसकी बॉडी में क्या एडाप्टेशन होता है, उसी में से कोई 2 या 3 कमेंट आपको कर देना है। कंगारू रैट हो गया, ये क्या करता है, पूरी लाइफ में वाटर को ड्रिंक ही नहीं, पानी नहीं पीता है, स्पेशल एडाप्टेशन होता है इसमें, वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए इसमें एक स्पेशल मैकेनिज्म पाई जाती है, इसकी बॉडी में फैट की मेटाबॉलिज्म होता है, फैट का ऑक्सीडेशन होता है, और फैट के ऑक्सीडेशन से इतना वाटर बन जाता है कि इसको बाहर से वाटर लेने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है। उसके अलावा एक्सक्रीटरी मटेरियल जो ये रिलीज करते हैं बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में करते हैं, हर हाल में ये वाटर को कंजर्व करते हैं। तो इस तरह का जो एडाप्टेशन होता है ज़ेरोफाइटिक कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए, जो इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो चीज़ें इनमें पाई जाती हैं, और उसी पे आपको कमेंट करना है। होप इस मैंने पूरा का पूरा स्लाइड के बारे में स्पॉटिंग में बता दिया। इसके बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए।